199 से आगाज करेगा वेस्टइंडीज अपने डे थ्री का, अपने सेकंड इनिंग का। एक ही विकेट बाकी है सिर्फ, और हमारे मन में भी कंफ्यूजन है कि क्या किया जाए, क्योंकि हमारा सेशन जो है वो आखिरी 10 ओवर्स का रहता है। ठीक है, कुछ ओवर्स हम ट्राई करते हैं, विकेट आता है तो ठीक, नहीं तो फिर सीधा आई थिंक इंडिया की बैटिंग आएगी, क्योंकि मुझे मालूम है ऑटो प्ले करेंगे तो ये 3 ओवर 4 ओवर भी नहीं टिकने वाले। बाउंसर्स ट्राई करेंगे, वो रन ले रहे हैं, क्विक सिंगल, रन आउट का चांस नहीं बनने दिया। इन बाउंसर्स रिपीट, फिर एक क्विक सिंगल लेते हुए वेस्ट इंडीज की टीम, और यहां आएगी स्लोअर यॉर्कर बीट। 3 गेंदों में 2 रन, एज गॉन, ओ फिर पिच कर गई अलजरी जोसेफ, बीट, ओ क्या पेस है 155, टॉप स्पिन, ओ सीधा, ठीक है बट किनारा लगता तो बेहतर था। किमन रोच, और यहां पे लगा दिया इन्होंने बाउंड्री मिड विकेट से, लास्ट मोमेंट में रोक ली गई है बाउंड्री तो, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही रन आएंगे। तेज गेंद, एज और बॉटम शॉट पॉइंट पर से 4 रन, लास्ट ओवर, अगर आप सर्वाइव करेंगे हमारे गेम प्ले में तो ही हम कराएंगे, नहीं तो नहीं बॉलिंग, नहीं तो आई थिंक इम्पॉसिबल रहेगा। 60 ओवर्स हुए हैं, लेट्स सी कितना सर्वाइव करते हैं। 213 मतलब सिर्फ 3 गेंदों में ही पारी सिमट गई है, और इंडिया के लिए जो चेज आया वो आया है 267 रनों का। तो रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल करेंगे शुरुआत टीम इंडिया के लिए, और रियल में बहुत बढ़िया किया, 90 पे कोई विकेट नहीं है रिकॉर्डिंग के वक्त। डे टू अभी शाम को चालू होगा, फर्स्ट बॉल के साथ हम तैयार हैं फर्स्ट सेशन में हमारे गेम प्ले के, जो ऑफिशियली होगा 267। लेट्स बिगिन। ये क्या धोखा था, एक बात और बता दूं आपको कि भाई हम पिछली बार पिछली इनिंग में रियल में तो इंडिया शायद लीड ले लेगा, बट हम नहीं ले पाए थे तो संभल के। यशस्वी जायसवाल फर्स्ट बॉल, इस बार छेड़खानी कर रहे हैं हम बाहर की गेंदों को, और फाइनली मिल गई है बाउंड्री। फाइनली इसलिए कहा क्योंकि इससे पहले दोनों ड्राइव रोहित शर्मा ने भी हिट की थी, 2 और 3 आए थे, इस बार 4। पहला ही अटेम्प्ट था जायसवाल का, जितनी कम विकेट यहां से हम खोएंगे उतना बेहतर होगा। रोहित शर्मा यहां पर बीट होती है, वही अलजरी जोसेफ है जिन्होंने हमें पिछले उसमें इनिंग में बहुत आराम किया था। अभी लास्ट टाइम इन्होंने पूरा खाली रखा है, बट आएंगे नहीं शॉट, गेंदे नहीं दे रहे। पिछली इनिंग में भी मुश्किल से 1-2% रही होगी गेंदे लास्ट टाइम। यशस्वी जायसवाल, इनके नाम कहीं है, रही है कुछ बाउंड्रीज, और उसमें एक और ऐड कर दीजिए, पिछला ओवर मैटर रहा था, उसके बाद जायसवाल ने आते स्ट्राइक पे चौका लगा दिया है। 6 गेंदों में 10, फिर एक बार छेड़खानी की है इस बार, लेकिन बीट हुए हैं, रन ज्यादा है नहीं वेस्ट इंडीज के पास, लेकिन इस लाइन लेंथ पे लगातार रिस्क लेते हुए 13 रन दिए हैं इन्होंने बाउंड्रीज के थ्रू कैमर रोज ने पिछली 8 गेंदों में, लेकिन उस लाइन लेंथ भरोसा कायम रखा है और रिस्क रिजल्ट देता हुआ इनको विकेट के साथ। यशस्वी जायसवाल सेम शॉट सेम लेंथ सेम रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के लिए जो अभी तक आया है, बट नहीं, रिजल्ट थोड़ा सा पलट गया है। और ये गेंद बहुत ही बढ़िया लू टॉस कैच करते हुए कीपर डिसिल्वा, जोशुआ डिसिल्वा, भाई नॉट आउट है शुभम गिल, अब दीवार बनते हुए, लेकिन बीट पहली गेंद पे, मत खेलो भाई, लीव करो थोड़ा, नहीं तो रिस्क हो जाएगा। रोहित शर्मा का अप्रोच कितना सही है, अटेम्प्ट तो ये भी करते हैं बट बीट हो जा रहे हैं। जायसवाल अटेम्प्ट कर रहे थे शुरू में, सफलता मिली, एक गड़बड़ हुई, आउट हुए। अभी शर्मा जी से गड़बड़ नहीं हुई है कोई, शर्मा यार खुद हाँ ना बोल के हाँ कर रहा है। 11 गेंदों में 5 इनसाइड एजेस, अप स्टंप गेंदें, जल्दी जोसेफ 10 गेंदे डॉट, रोहित शर्मा के सामने वो शुभम गिल, अरे बाप रे, 2 छटके, अरे यार भाई देखो सीधी सी बात होती है, मैं डेफिनेटली उम्मीद रखता हूँ कि गेंदें कनेक्ट होंगी, अब ड्राइव तो लेना पड़ेगा यार आपको, बट टेस्ट मैच फॉर्मेट मुझे दिखा रहा है मेरी औकात की भाई, टेस्ट मैच मतलब टेस्ट मैच अच्छा लगता है एक्चुअली, गेम पे खुशी होती है, गेम इतना रेयर बनाया है कि आप रिस्क मत लो। किंग किंग किंग, नाउ ऑल आइज ऑन यू मैन, 50 का एवरेज है हमारे गेम प्ले में, रियल में नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा जुगाड़ लगा रहे हैं, मिडल पे आके खड़े हो गए हैं, फायदा नहीं क्योंकि गेंदें अब और दूर जा रही हैं। थोड़ा सा यहाँ लाइन लेंथ बदला, बैक फुट पे खेल रहे हैं, रन आउट का चांस होगा,
बच गए यहाँ पर कोहली, रोहित और कोहली की जोड़ी है मैदान में, इंडिया के लिए एक तरीके से कह सकते हो सबसे बड़ी होप दोनों। नेक्स्ट स्टंप बेहतर, पूरा फोकस बस इसी ने, मेरी नजर जो थी पूरी तरह से इसी पे थी कि गेंद की पिच कहाँ है पहली। नेक्स्ट स्टंप पे मिला, मिडल पे मिला, मौका बनाया, मिड विकेट से फील्डिंग चेंज किया है और वेस्ट इंडीज ने, जो मैं कहूंगा उनकी गलती है, पिछली वाली फील्डिंग ज्यादा बेहतर थी क्योंकि उसके लिए मुझे कंपल्सरी स्क्वायर खेलना था, अभी मिड विकेट भी खा लिया, मेरी बात सुन ली, मिड विकेट आ चुका है, कवर थोड़ा खाली है बट भाई कवर इज वेरी रिस्की, अपील और चांस लग रहा है मेरे को, हाइट हो सकता है इश्यू हो बट इंपैक्ट तो अंदर ही है। नॉट आउट एम्पायर की तरफ से, विराट कोहली अटेम्प्ट करते हुए, यार जितनी बार ये बीट हो रहा हूँ माथा पकड़ना पड़ रहा है कि मरो, जिनके नाम आज दो विकेट्स बोले हैं गेंदबाजी में आए जरूर थे बट सेकेंड बॉल उनकी बाउंड्री जा रही है। विराट कोहली थोड़ा बहुत रिदम पकड़ते हुए, उनका पिच पे डिसाइड होगा कि खेलना कहाँ है, पेस चेंज थोड़ा सा लगा मुझे, लेट हुए हम, 130 से लेके 140 तक का इनका पेस है, इस बार बढ़ाया थोड़ा सा, बीट कराया हमको, लेट जा रहे हैं हम लोग। ऑफ स्टंप पे दीवार आ गई, स्टांस और चेंज किया है, घुमा दिया है लॉफ्टेड मिड विकेट की पोजीशन से, आइडियल टाइमिंग बट देगा वन बाउंस फोर, नॉट बैड, थोड़ा सा नॉर्मल स्टांस में वापसी, स्ट्रेट बॉलर की तरफ था गेंद, अरे वेस्ट फील्डिंग हो गई, चलो 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 चल 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 चल, दो रन तीन आ सकते हैं अगर, नहीं तीन तभी आ सकते हैं अगर, केमर रोच विकेट निकाल रहे हैं, अलरी जोसेफ रन नहीं दे रहे हैं, एज गई है स्लिप में, तीसरा झटका रोहित शर्मा के रूप में, इंडिया के लिए बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, हमारे लिए बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, 23 ओवर्स अभी भी हैं मेरे पास इस टारगेट को चेस करने के लिए, बाकी का जो होगा वो किस्मत के भरोसे होने वाला है। बढ़िया कैच देखने को मिला यहाँ पर आखिरी स्लिप में, कप्तान पवेलियन जा रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज था, स्टांस चेंज करते करते कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज ही रह गया, चेंज ही करते रह गए, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हो रही मेरे लिए, गेंद को लीव करना है, डिसाइड करना वो नहीं हो पा रहा मेरे से, बाकी तो सब हो रहा है, और यहाँ पे कुछ मौके मिले थे लॉफ्टेड के वो गंवा दिए, हुक शॉट लिया था, बीट हुए हैं, कोहली के लिए ऐसी फील्डिंग लगाई है कि आप कवर के अलावा कहीं मारने का सोच नहीं सकते, अरे भैया स्टंप से भी बचाना, पीछे भी जाती है गेंद, 8.4 कैप स्क्वायर लेग, बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, अब कोई है ही नहीं दूर दूर तक, वो आएंगे तब तक हम दौड़ के साथ चार ले लेंगे, गेंद रुकता हुआ स्लो होता हुआ हम चार के लिए दौड़ चुके हैं और कंप्लीटेड द 4 रन्स बाय रनिंग, यहां पे स्ट्रेट शॉट एज, ओह कैच ड्रॉप, ये गड़बड़ है इनके लिए, वेस्ट इंडीज के लिए मौका गवाया जिकराने का, कैच का यहां तक कि सेकंड एफर्ट भी डाला गया था बट कैच ड्रॉप, यू मिस द चांस, किराने का इस तरह के फॉर्म में कैच ड्रॉप करना थोड़ा सा भारी पड़ेगा, रकीम कॉनवल थे इस बार, अरे कंफ्यूजन एक्चुअली ये हुआ कि भाई रकीम ने हाथ डाला उधर से जंप भी लगा नजदीक स्लिप में से और कैच ड्रॉप रिजल्ट, सिर्फ 2 रनों पर कैच ड्रॉप, उधर विराट का थोड़ा सा लॉफ्टेड शॉट लेट टाइम के कारण बिगड़ता हुआ, 2 रन देगा लास्ट 4 गेंदे इस सेशन के हमारे, विराट 21 गेंदों में 21 कर चुके हैं, आसान नहीं होगा इनको खेलना, खेलना भी और खिलाना भी, डॉट एजेस के चांस के बहुत करीब, जो से बहुत एक्साइटेड, आखिरी गेंद रिस्पेक्ट के साथ डिफेंस, 119 पे गिर गई है 6 विकेट, मैंने इसी लगा था भैया आउट मत होना, तुम आउट हुए हो तो भुगतो, अभी भी 150 जितना टारगेट बाकी है, धक धक हो रहा है, टारगेट अभी भी मैं कहूंगा टफ है, यहां से निकालना इंडिया के लिए काफी टफ है, फॉरेन सोल पहले दिन से जहां आपको हैवी क्रैक देखने को मिला थी कि लास्ट टाइम थ्रो कीपर पे आई थी, तो इस बार भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, हाँ इस बार भी कीपर पे है, 3 रन अश्विन के साथ, फर्स्ट टाइम अश्विन, लीव 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 लीव, कोई जल्दी नहीं, ओके स्पिनर है इधर, ठीक है अपना पुराने वाले ट्रिक, यहाँ पे आपको लेग थोड़ा ऑफ स्टंप जाना है और लेग स्टंप पे लॉफ्टेड उठाना है, रिस्क यहां पर भी है, नजदीक में 3 फील्डर खड़े हैं, कहीं भी उछल सकता है बट रिस्क और रन मिक्स करेंगे हम, मौका फिर है, स्ट्राइक मिली है जड्डू को, एक 6 भी यहां से लगाना आसान हो सकता है, वही किया और 6 है कि नहीं, अंपायर की तरफ होगी नजर हमारी, आई थिंक 4 होगा, धीरे खेलने गए तो बीट हुए हैं, रहीम कॉनवल को कहीं हटा ना दिया जाए यहां से अगली ओवर के लिए, क्योंकि
वेस्ट इंडीज को भी ये बात पता है कि इंडिया के टेलेंडर्स भी अब फाइट देते हैं, समय बदल चुका है और यहाँ पर दोनों वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स करंट जनरेशन के खेलते हुए। इसी तरह से जोसेफ को सर्वाइव करो अभी, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ठीक है फ्रंट फुट तो चला नहीं बट ड्राइव जरूर लगा दिया, चार रन इस बार भी नहीं मिलने वाले आपको, तीन से कुछ। ये बहुत बड़ा फायदा कि राइटी और लेफ्टी की जोड़ी है, फील्डिंग कुछ इतना ज्यादा, चलो फील्डिंग तो चेंज किया था इन्होंने बट इन्होंने एक मिस्टेक कर दी, इन्होंने साइड चेंज नहीं की थी एज एक बॉलर, और चार रन मिल गए यहाँ पे जडेजा को, जो अश्विन नहीं कर पाए वो जडेजा ने कर लिया है। और एक फायदा होगा, जो गेंदबाज अगर जडेजा के लिए लाइन लेंथ करता है, जो जडेजा को नुकसान कर रही है साइड, तो वो अश्विन को फायदा कर देगी, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। और उसी पर ही काम करते हुए फिर वही स्क्वायर लेग, लेकिन इस बार लॉप नहीं लगाया मैंने, दो लेंगे स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। और अर्धशतक पूरा 57 गेंदों में, मैं नजर थी नहीं उस तरफ कि अर्धशतक भी हो गया है कंपेरिजन टू ओपनर्स, यहां मुझे खेलना थोड़ा सा आसान लग रहा है। अरे चार रन, अब स्टंप फील्डर थोड़ा सा मिड ऑफ चले, मिड ऑफ वाले आगे चले गए थे और गेंद जो है वो बाउंड्री के पार जा चुका है। ए यार हकीम कॉर्नवाल आए तो आए बट अब अश्विन के लिए, अरे ये कौन सी लाइन लाइन इतना ज्यादा लेग स्टंप, और उसका फायदा जडेजा ना उठा ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं झूठ नहीं कहूंगा बट मेरा प्लान पता है क्या था, स्ट्राइक चेंज करने का था, मैं सिंगल्स की तलाश में था, अश्विन को ट्राई करना चाहता था बट इतनी बुरी लाइन लाइन चौका। तो कॉर्नवाल भैया समझदार हो गए, अब इनको पता है कब साइड चेंज करनी है कब नहीं करनी, तो अब बैटिंग थोड़ी सी अब इनके सामने टफ होगी। शॉट नहीं यार, लॉक है स्विप, तो चल 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 गैप निकाला, लंबा फ्रंट फुट, लंबी ड्राइव और बनेंगे बड़े रन चार। अश्विन जोसेफ भी चेंज हो गए हैं, ये भी अब जो गेंदबाजी कर रहे हैं ये थोड़ा सा इन्होंने अब ऑफ स्टंप से देना शुरू कर दिया गेंदों को, तो कॉर्नवॉल के बाद अब जोसेफ के ओवर्स में भी थोड़ा समझ के खेलना पड़ेगा। 62 फिर बेहतरीन शॉट, मैं इसी के बारे में अभी कह रहा था कि गेंद जो है बैट से अच्छे कनेक्ट हो रही है इन दोनों प्लेयर्स के, और उसी का फायदा इस गैप शॉट के साथ, कट के साथ ऑफ स्टंप पे पॉइंट पे चार। ना 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 बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, प्रसन्न माहौल, नहीं पिच बहुत बढ़िया कर रहे हैं। फिर एक गेंद जो अंदर आ सकती है, अच्छा है कि बाउंस ऊंचा है। जोसेफ क्यों साइड चेंज की, फायदा उठाओ तो, मतलब पहली गेंद ठीक है, स्ट्राइक अपने पास रहने वाला है अगर, हाँ बॉलर पे थ्रो देने की जरूरत नहीं थी, ये सब बेसिक लॉजिक है जिस गेम में है ही नहीं, बहुत टफ हो जाता गेम और मजा आ जाता। 90 के आसपास रिक्वायर्ड रन, सीधा अगेन, मैं थोड़ा सा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था इसलिए लेक्स्ट्रा मिड विकेट खेला था। लॉप्टेड ले लें क्या, ये लग जाता तो फिर माइंडसेट कुछ अलग ही सेट हो जाता, या तो आउट भी हो सकते थे, सब कुछ हो सकता था। धीरे धीरे अंदर आते हुए हमारा स्ट्रेट वाला जो बाकी है, ओ कॉर्नवॉल का रिएक्शन, ऊंचाई मारे क्या अब, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। अरे रे ओ मत कर ली, सीधे डाल रहा है, नहीं हो रही स्पिन या करा नहीं रहा, फाइनली कुछ बदलाव। रेमंड राइफर पहली गेंद, पेस मुझे थोड़ा कम लगा है, फील्डर जरूर बीट करा दिया है, दो लेते हुए सामने से थ्रो आ रही है और सामने आ रही कीपर पे, बच के फिर वही गेंद सेम, ऑब्वियस बात है हम भी सेम ही खेलेंगे बेहतर टाइमिंग के साथ और चार निकालेंगे। 44 में 27 इंतजार करके खेला है, एक रन का भी रिस्क तो है, बच गए डायरेक्ट हिट से, यही सब मौके हैं, अगर निकाल ले जाए तो अब विकेट मिल जाएगा वेस्ट इंडीज को। आखिरी ओवर के लिए रोच, तेज गेंदबाज है और ये कैच हुआ कि नहीं हुआ, ड्रॉप हुआ, नहीं 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 आई थिंक पहले ही गिर गई, मैं खुद भी एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, आई थिंक पहले गिर गई क्योंकि ओ सेव किया इन्होंने गेंद को बाउंड्री के पास जाने से। 81 पे खेल रहे हैं, बहुत कुछ इन पे अब डिपेंड करेगा, स्ट्रेट शॉट बाउंड्री के पास जाते हुए देखा है, थ्रो हमने कीपर पे जाते हुए देखा है, यहाँ से वही हो रहा है, सेम रिपीट किया, अच्छी बाउंस और अच्छी निकली भी है, नहीं मैं हिट के लिए जा रहा था, वाइट बॉल ज्यादा ही थी कुछ। 83 for 83 स्ट्रेट बहुत सामने, ये पिछली दो ओवर में क्या वेस्ट इंडीज गेंदबाजी की ये पता नहीं, उनको भी पता है कि नहीं, गलत लाइन लेंथ पे कर रहे हैं लगातार। आखिरी गेंद हमारे सेशन का, अगर लगने दिया साथ तो वेस्ट इंडीज जीत भी सकता है मैच को, आखिरी गेंद भी स्ट्रेट गई है, स्टंप्स उड़ाए हैं नॉन स्ट्राइक एंड पे बट हाँ रिस्क नहीं है कुछ, 200 पूरे हुए हैं, सेशन समाप्त हुआ है, सेकंड सेशन बिगिंस, 238 पे 6 भाई, अब इन दोनों ने पूरा सेट कर लिया है माहौल, जीतने से सिर्फ 30 रन दूर है हम लोग,
पहली गेंद स्पिनर की थी, कॉनवॉल डिफेंस किया है, फील्डर्स को डीप में रखा है, सेंचुरी लगा दी भाई, सेंचुरी लगा दी है हमारे जडेजा जी ने। और एक रन ठीक है, जीत का परचम लहराएंगे इस बार, नहीं लहरा पाए तो फिर AI के भरोसे। मस्त फील्डिंग सेटअप, बट भाई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं क्योंकि गेम पता नहीं क्यों लैग कर रहा है दुष्ट कहीं का। बोला था ना दौड़, नहीं मत दौड़ मत दौड़ मत दौड़, स्ट्राइक रहेगा तो ज्यादा आसान रहेगा अगली गेंद पे मारना। क्या यार खामोशी भला, शॉट देगा रन चार, मैं वही सोच रहा था कहां से मारा जाए, गैप में मारा स्क्वायर, ये ओवर भाई गया और पिटने वाला है यार, सिक्स चाहिए था, 50 भी होने वाला है जो अश्विन के, एक रन बाकी, माइनर चेंज, स्क्वायर पीछे गया है, पॉइंट अंदर आया, मेरे लिए अच्छा क्योंकि मुझे पता था भाई कि पॉइंट पे आप आसानी से हिट कर सकते हो। अब आप ऑफ स्टंप पे गेंद आएगी तो स्क्वायर मार तो मारने ही नहीं वाला मैं, सीधी सी बात है, गलत गेंदबाजी, फील्डिंग बाउंड्री रोकने के लिए अच्छी है बट आप सिंगल्स डबल्स को कैसे मैनेज करोगे ये एक सवाल रहेगा। दो किरानों पे वापसी, डायरेक्ट थ्रो सीधा कीपर को लगे तो बात बन सकती है। हल्के फुल्के चेंजेस फील्डिंग में, अंदर बाहर, मैं गली में से तैयार, जब जब पॉइंट अंदर आया है 38 के इस ओवर में हमने बाउंड्री लगाई है। जडेजा को इस लाइन पे आउट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, वो पारी भी तो ऐसी खेल ली है, फुटबॉल दिख रहा होगी गेंद, ऐसा लोग कहते हैं। 123, एक और कट और ये भी गैप, ये सरप्राइज बाउंड्री होगी अगर चली जाती तो, नहीं दो रन आउट चांस, जडू पूरा करेंगे तो फुल पॉसिबिलिटी इस ओवर में फिनिश करने की। अरे लेकिन आओ पीछे फाइन लेग स्लिप है, अर्ली खेलियो भाई, ऐसे ही लैग हो रहा है गेम, अर्धशतक तो पूरा, गेंद भले बाउंड्री के पार ना जाए बट अर्धशतक पूरा किया अश्विन ने, और विदाउट डाउट कह सकते हैं अगर ये जोड़ी नीचे टिकती ना, इन्होंने AI भी सर्वाइव किया है, मेरे साथ भी सर्वाइव किया, बधाई हो अर्धशतक की। इन दोनों ने जितना हैरान किया है उसके बाद वेस्ट इंडीज उम्मीद खो चुका है, बॉलिंग में बिल्कुल भी जान नहीं लग रही, मतलब कहते हैं ना कि मन हार जाता है तब इंसान कैसे गेंदबाजी करता है, मुझे ऐसा लगता है AI हार गया है। मैं बता दूं मेरा स्टांस ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है ऑफ स्टंप वाला, आखिरी गेंद अगर छे जाएगी तो पूरा मैच नहीं, वन बाउंस फोर, आई थिंक अब ये ओवर लास्ट होगा जो हम खेलने वाले हैं, और यस इंडिया 1-0 की लीड लेता हुआ, अगर ये लाइव स्ट्रीम हुआ होता ना मैच तो और मजा आती, बट सपोर्ट नहीं है लाइव स्ट्रीम में इस कारण से भाई नहीं हो रहा है, तो प्लीज एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसी गेंद पे हो सकता है पूरा, ये गेंद बाकी है। मैं भाई कई लोग मैसेज कर रहे हैं भाई क्यों नहीं कर रहे, बट भाई सीधी सी बात है सपोर्ट नहीं होगा तो फिर कहां से होगा, एंड दैट्स द एंड ऑफ अ फर्स्ट टेस्ट मैच। ठीक है मैं 3 दौड़ा रहा हूं, 268 ही थे, हाँ इंडिया वन द मैच। और मैं बता दूं बहुत से लोगों ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया 2-0 से जीतेगा, कुछ लोग हैं मतलब कुछ भी नहीं, एक या दो लोग हैं जिनको लग रहा है कि सेकंड टेस्ट मैच शायद ड्रॉ हो सकता है, वेस्ट इंडीज थोड़ा सा कमबैक करेगा, वो उन लोगों को भी लगता है, मतलब ऐसे भी लोग हैं जिनको लगता है वेस्ट इंडीज ड्रॉ कराएगा। रियल की बात करें तो भाई वही बात है कि अराउंड 10-9 घंटे बाकी हैं यहाँ से दूसरा दिन चालू होने में, मैंने मैच का रिजल्ट प्रिडिक्ट कर लिया है, और हाँ मैंने पहले ही बताया कि ईमानदारी से प्रिडिक्शन जब करते हो आप तो ऐसे ही करना होता है आपको, अब बाद में प्रिडिक्ट करके करते हो प्रिडिक्शन तो उसका मतलब नहीं, तो देखते हैं कितना मैच होता है। Day 3 में खत्म हो गया हमारा मैच, अब रियल में कब होता है वो कुछ घंटों बाद पता लगेगा। बाकी टेक केयर, प्लीज लाइक कर देना, मिलते हैं वीडियो में, लाइव स्ट्रीम भी हो नहीं रही है बट इच्छा बहुत है करने की, सपोर्ट दिखा दो तो भाई हम लाइव स्ट्रीम भी करते। टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, मैन ऑफ द मैच बनाए जडेजा ऑब्वियस है।